अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट्स, आज जो हम सीखने जा रहे हैं कि मैथ्स के अंदर प्लस माइनस का रोल बहुत बड़ा होता है, जिसे हम प्लस माइनस साइन लगाने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाते हैं। हर बार हम इसमें गलती कर लेते हैं और हमारे कुछ मार्क कट जाते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्लस और माइनस का रोल बहुत बड़ा रहता है, पूरा डिपेंड प्लस माइनस पे डिपेंड करता है जो हमारा जो आंसर आता है। अगर हमारा माइनस एक की जगह प्लस एक आंसर आता है तो हमारा पूरा रॉन्ग हो जाता है, और प्लस एक की जगह माइनस एक आता है तो रॉन्ग हो जाता है। ओके, तो आज हम सीखेंगे कि प्लस माइनस साइन किस तरह से लगाते हैं, जिसे हम हिंदी में या मराठी में हम कहते हैं चिन्ह लगाना। चिन्ह कैसे लगाते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे कि आप देखिए, -3 -3 ये क्या होता है हमको समझ में नहीं आता, -3 + -3 ये क्या होता है समझ में नहीं आता है, -2 + -2 ये हमको कन्फ्यूजन हो जाता है। आज ये मेरा 5 मिनट का वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप पूरे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक हमारा चिन्ह लगाना, प्लस माइनस की साइन लगाना, वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपके लाइफ टाइम के प्रॉब्लम ये हल कर देगा प्लस माइनस के। तो चलो हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट, हम प्लस माइनस की जो साइन लगाना है हम आज एक लंबा लाइन के जरिए से सीखेंगे, और ये जिंदगी भर आपके प्रॉब्लम हल कर देंगे इन लाइन को अगर समझ लेंगे। ये नंबर लाइन मतलब जहाँ पर नंबर रहते हैं उधर पॉजिटिव नंबर रहते, इधर नेगेटिव नंबर रहते। जीरो से जब हम उधर की साइड जाएंगे, राइट हैंड साइड, इधर देखिए लिखते टाइम आपका राइट हैंड साइड जाए, जब मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ओके, जब हम इधर जाएंगे आगे बढ़ेंगे तो आप बढ़ते जा रहे, और इधर जितने दूर जा रहे जीरो से, इधर आगे बढ़ रहे मतलब छोटे हो रहे, उसकी बात ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ओके, अब आपके पास ध्यान में रखना, इधर अगर हमने कितने मिला है तो बढ़ते जाएगा। जैसा यहाँ पे आपको याद रखिए कुछ सिंबल्स, कुछ रूल मैथ के, देखिए ये 3 में अगर 3 मिला तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6। ओके, अगर हम क्या करते हैं अगली कंडीशन में, अगर ये -3 है और इसमें हम +3 मिला रहे, ओके, मतलब क्या कर रहे, आपके पास 3 है फिर -3 मिला रहे, देखिए पहला प्लस प्लस का हो गया, अभी प्लस माइनस का कर रहे, दोनों एक जैसे, तो अब यहाँ क्या हो जा रहा है, +3 में से -3 जाएंगे, दोनों इक्वल है ना, तो +3 में से क्या जाएंगे, -3, तो क्या आ जाएंगे हमारा आंसर 0, क्या आंसर आएंगे हमारा 0। -3 + 3 एक दूसरे को क्या करेंगे, देखिए 3 और ये 3 इक्वल हो गए, 0 पर पहुंच गए हम, इधर भी 3 और इधर भी 3, कहाँ आ गए हम 0 पे। ओके, अब हमारे पास आया इस तरह से कंडीशन, यहाँ पे लिए -6 + 3, अब बड़ा कौन है, यहाँ माइनस है, बड़ा कौन है माइनस, दिखने को बड़ा माइनस है, 6 मतलब यहाँ पे क्या है हमारे पास बड़ा है, लेकिन साइन माइनस है इसलिए छोटा है। ओके, तो हम क्या करते हैं, 6 में से 3 निकाल लो पहले, ये जो बड़ा इसमें से निकालिए, अमल तो माइनस का होगा, प्रोसेस माइनस की होंगी, मतलब यहाँ से क्या चलेगा, 6 में से 3 गया तो क्या बचता, 3, लेकिन हमारे पास साइन क्या है पे माइनस की, तो इसलिए लगा माइनस, तो हमारा आंसर क्या है, -3, तो इस तरह से -3 आ गया। अगर ऐसा रहता 6 - 3, अब 6 बड़ा है तो 6 में से 3 जाएंगे और 6 के साथ साइन के बड़ी की साइन लग जाएंगी +3। ओके, जो बिगर नंबर है उसकी साइन लगती, तो अब यहाँ हो गया। अब अगली कंडीशन देखिए, यहाँ पर इस तरह से अगर हमने ऐसा लिए -10 + 6, अभी हमको करना है -10 + 6, तो अब यहाँ से क्या होगा, माइनस का प्रोसेस होगा, माइनस का अमल होगा, 10 में से कौन चल जाएगा, 6, तो बचते कितने, 4, लेकिन साइन किसकी लगेगी, माइनस की। अगर ये देखिए नेक्स्ट, अब जो टफ पोर्शन जहाँ से शुरू होता इस तरह से -3 - 3, यहाँ पे हमको कन्फ्यूजन हो जाता, ओके, ये यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता, तो ऐसे टाइम पर क्या करने का, माइनस है फिर माइनस है, तो क्या करना है आपको, ये -2 बार है, कितने बार है, 2 बार, ये 1 और ये 2, तो माइनस को बाहर निकाल देने का, माइनस को कॉमन लेना है, क्या लेना, माइनस को कॉमन, कॉमन मतलब मुश्तरिक बोलते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ बचा 3, यहाँ का माइनस चलेगा तो प्लस बच गया, यहाँ का माइनस गया तो कौन बचा, प्लस, ये 3, माइनस बाहर आ गया, 3 और 3 6, तो ये लग गया माइनस का 6। ओके, ये एग्जांपल, और एक एग्जांपल अगर लेंगे, -6 - 6 आपको करना है, माइनस डबल है तो माइनस बाहर, 6 + 6 6 6 12, लेकिन क्या क्या हो गया, माइनस के 12। बच्चों अगला एग्जांपल क्या है, यहाँ पे 3 - -3, मतलब 3 में से ये माइनस है फिर माइनस है, तो इसका आंसर बहुत आसान है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 3 + 3 कितना होता है, 6, अगर ऐसा 6 - -6 तो कितना होता है, -, प्लस, तो 6 + 6 कितना होता है, 12। ओके, इस तरह से आंसर आता है, ये 3 × 3 ये क्या होता है, 9, कितना होता है, 9, -3 × -3 दो बार माइनस है, -, कैंसिल, ये 9, दो बार माइनस है, लेकिन 3 × -3 ऐसा दिया, एक ही बार माइनस है, 3 × 3 = 9, लेकिन एक माइनस लग जाता है इस तरह से। अब ऐसा दिया -3 × 3, एक ही बार माइनस है, 3 × 3 = 9 लग जाता है, डबल रहा तो कैंसिल हो रहा, सिंगल रहा तो जैसा कि वैसा रहा, डबल रहा तो प्लस आ जा रहा,
देखिए यहाँ पे दोनों प्लस थे तो प्लस, या दोनों माइनस थे तो भी प्लस, या एक प्लस था एक माइनस था तो माइनस, या एक माइनस था एक प्लस। इस तरह से ये जो है मल्टीप्लीकेशन में काम करता है। डिवीजन में भी इस तरह से, अगर आपने तीन को माइनस तीन को तीन से डिवाइड करें दोनों कैंसिल आता वन, अगर आप तीन को तीन से डिवाइड करें माइनस तीन को प्लस तीन से तो भी क्या आ रहा माइनस वन, एक माइनस है तो माइनस। अब ऐसा तीन को माइनस तीन से तो क्या हो जाएगा तीन का तीन, ये भी माइनस में आ रहा, एक माइनस रहा तो फिर माइनस, एक माइनस रहा तो माइनस, दोनों माइनस रहे तो प्लस, और दोनों प्लस रहे तो क्या होता प्लस, दोनों प्लस रहे भी तो प्लस होता। ये मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये डिवीजन हो गया, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमने सीख लिया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो ये वीडियो को आप लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया है, और इसको चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो।